सही नहीं हो रहा, गुस्सा नहीं आ रहा मुझे, बल्कि डर लग रहा है। कुछ तो है जो मैं देख नहीं पा रहा, जो वो छुपा रही है मुझसे, पर क्या? हेलो कार्तिक, अभी इसी वक्त, बड़े मत डराओ। कार्तिक तुम सुन रहे हो ना, अभी इसी वक्त प्लीज। यहाँ क्यों बुलाया? जो भी बात करनी थी वो घर पर भी? नहीं, घर पे नहीं हो सकती थी वो बात। कौन सी बात माँ? जिंदगी समय दिन तारीख बता के परीक्षा नहीं लेती है कार्तिक, लेकिन लेती जरूर है, और उस परीक्षा से हम सबको गुजरना होता है, चाहे कुछ गलत हो या ना हो, चाहे कुछ समझ में आए या नहीं। पहले वादा करो कि मैं जो कहूंगी वो मानोगे तुम। देखो कार्तिक, मैं माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारी खुशी के अलावा जिंदगी से मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बहुत गलतियां कर ली लाइफ में, बहुत भटक लिए, आप सेटल हो जाओ। मैं चाहती हूं कि तुम आगे बढ़ो, जिंदगी तुम्हारा इम्तिहान ले रही है, तो दो वो इम्तिहान, पुराना सब कुछ भुला के एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। अपने हक की सारी खुशियां मांग लो उससे। तुम्हें मेरी बात माननी होगी कार्तिक, मुझसे वादा करो कि आज मैं जो कुछ भी तुमसे मांगूंगी उससे तुम इनकार नहीं करोगे। क्या सोचा है, क्या करोगी? पहले तो मां से बात करनी थी, कार्तिक की लाइफ सॉर्ट करनी थी, और अब यहां के लिए क्या सोचा है? अंदर जाके सबको बता दोगी सच सच? या पता नहीं, तो पता करो ना यार, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो करना ही होगा ना तुम्हें। सोच लो अच्छे से कि क्या करना है, और उसका रिजल्ट भी सोच लेना, और ये मत भूलना कि ये लोग बहुत परेशान हुए हैं तुम्हारी वजह से, और ये भी सोचना कि अगर नहीं बताया तो क्या अकेले मैनेज कर लोगी सब? इतनी सारी लड़ाइयां लड़ लोगी अकेले? पता नहीं। तो पता करो नायरा, बार बार वही कहने की कोशिश कर रही हूं। जब तक तुम्हारे अपने पास इन सवालों के सही जवाब नहीं होंगे, लाइफ में कुछ सही नहीं होगा नायरा। नायरा फिर तुम छुपाओ या बताओ या जो मर्जी कर लो। कार्तिक बताओ मुझे, क्या फैसला है तुम्हारा? सही कह रही हूं ना मैं? ये कदम तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा मां, जितना आप सोच रही है। जानती हूं, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल है, जितना सोचते हैं जितना सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा ना। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।
बोलो, तैयार हो ना? लल्ला, तूने कीर्ति को पक्का नहीं बताया होगा कि मैं आ रही हूँ, नहीं तो ऐसे कैसे चली जाती वो? हाँ, जानबूझ के नहीं बताया बड़ी दादी, वरना वो एग्जीबिशन के लिए जाती नहीं। और वैसे भी आजकल उनका काम ना करने का मन बहुत रहता है, अगर पता चल जाता कि आप आ रही है ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती यहाँ। नायरा, मेरी बच्ची। नायरा, अपनी बड़ी दादी से नाराज होगी ना तू? इतना कुछ हो गया तेरे साथ और मैं। क्या हुआ बेटा? प्रिंसेस, भाभी माँ अब कहीं नहीं जाएंगी। अरे अच्छा, अरे नायरा, क्या हुआ नायरा? नायरा मेरा बच्चा। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? पापा पक्का कुछ और बात है। प्रिंसेस, क्या हुआ बिटिया, कुछ बता तो सही। हाँ बेटा। नायरा, डोंट डू दिस, बता दे प्रॉब्लम क्या है, बोल ना। नायरा स्टॉप क्राइंग, हमें बताओ बात क्या है। हाँ। नहीं प्रिंसेस, नहीं, डरो मत, हम हैं ना, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है पापा। नहीं बेटा। हाँ नायरा, तू चिंता मत कर, ये बीमारी है ना, इससे लड़ लेंगे लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देंगे। हाँ बिटिया, और उसे हरा के दिखाएंगे। हिम्मत और विश्वास बहुत बड़ी चीजें होती है नायरा, उनके सहारे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निपट लेंगे। हाँ बेटा, जिसने किसी का बुरा नहीं किया उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा प्रिंसेस। तुझे वो कविता याद है जो तूने खुद लिखी थी बचपन में? अक्षरा ने उसे फ्रेम करा के भी रखा था केप टाउन में, याद आई? चीकू, तुझे याद है? डरने से बढ़ता डर, पर हिम्मत है जोकर तो सकता वो भी मर। हो सन्नाटा उदासी का तो उम्मीद का शोर तू कर, गिर जाए तो हो खड़ा फिर, रख पैर भरोसे पर, फिर जीत तेरी ही निश्चित है। ये मन में ले तू धर। तुम दोनों कितनी चिंता हो रही थी हमें तुम दोनों की, कुछ बताओगे भी कहां? कार्तिक ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। किस बारे में? अरे बोलो भी कुछ, हमारी जान निकली जा रही है। शॉप, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये। नहीं मनीष जी,
हमने बहुत सोचा इस बारे में, अब और कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो तय हुआ है वही होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी काबिलियत पे कोई शक है डॉक्टर। It's just that I want the best for my sister. India के best ही नहीं, world के best neurosurgeon से surgery करवाना चाहता हूँ अपनी बहन की। जी को तुझे सारी reports भिजवा देगा, तू वहाँ अपने सब जानने वालों से बात कर लेना, ठीक है ना शौर्य? जरूरत नहीं है तुम्हें, फिर क्यों खुद को मुझसे दूर कर रही हो? बरसे नयन, मैं आ जाऊं वापस। रूहे तबा है, बेघर है मन, आ जाने दो ना प्लीज। कैसा करूं, कैसा सलूक जिंदगी कीर्ति को नहीं बताया वो ठीक है, पर कार्तिक को तो नहीं। नहीं पापा प्लीज प्लीज उसे उसे कुछ मत बताना प्लीज पापा। पर क्यों बिटिया, उसे पता तो चलना चाहिए कि नहीं नानी प्लीज उसे कुछ मत बताना। अगर उसे बताना होता तो मैं खुद बता दी थी, पर मैं नहीं चाहती अपनी फैमिली के सिवाय किसी को नहीं। प्लीज प्लीज पापा आप समझाइए ना कि कोई कुछ ना बताए। नायरा नहीं बताएंगे, तू प्लीज परेशान मत हो, काम डाउन। हम देखा जाए तो पापा नायरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्यों बताए हम उन्हें, क्या लेना देना है हमारा उनसे। गुड फेथ में अगर हमने उन्हें बता भी दिया तो वो उसका कोई और ही मतलब निकाल लेंगे। I'm sorry कार्तिक, मेरी ना बताने का कारण वो नहीं है, बस डरती हूँ कि तुम्हें पता चल गया तो क्या होगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।